हम टोल वालों के पास में ना बात करेंगे ना जाएंगे, अगले घुटने टेक के आएंगे। हमने नया विकल्प रास्ता निकाल दिया, केवल ये बना देंगे बना दूंगा। रास्ता दे वाला भी मैं यहाँ, फंडिंग करवाला भी मैं यहाँ, सारा काम करवाला मैं यहाँ। अभी तो लूट है, पटेकरान भी लूट लियो, इन्हें भी लूट लियो, इन्हें भी लूट लियो। जनता को मार गए जो जनता के द्वारा खोल दियो जाए लो। मैं गुंडागर्दी कर लू, लेकिन भैया के तो गुंडागर्दी ठीक कर वाला ही। उत्कर्ष ऐप पर बिग समर सेल में पाएं केंद्र व राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त बचत। लेकिन ये दोनों बचत 20 जून तक ही है, इसलिए अभी इनका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी शुरू करें। कॉल नाउ। हिम्मत करी दे खड़ा और जोरों बोल दिया कि मेरा खेतों रास्तों काटो। खेत को भी है, तीन रास्ता है, तीनों बच्चों को लागे वो चुन लो। और विधायक जी रोड कट्टेड़ो रास्तो भी है, बिना नेट पर गेर मिले मैं ही खाली। अन्याय कौन करे यहाँ बैठे पब्लिक के साथ, अन्याय हो रही भाई, भी अन्याय ना मेटाला भी। आप तो सांसद जी भी करने ही बैठे हैं, रोड की भी करा, रोड की घोषणा कर दी, रोड की भी कर दी, क्या घोषणा केवल ये बना देंगे बना दूंगा। दोनों का नहीं, केवल खाली एक खेत जनता को मार गए जो जनता के द्वारा खोल दियो जाए लो। और टोल फ्री जनता मार्ग उसका नाम होगा और जनता के द्वारा हम भी डिसाइड होगा। बिल्कुल हो गया, जनता का मार्ग टोल फ्री। मैं 15 मिनट का जो नाम लिया बाऊ, कोई अपडेट कोई बातचीत है? 15 मिनट मारे अभी 5 मिनट करा, तो आर की पारी करा ला, अब तो आर की पारी है। एक चीज आज देखो, आते नहीं कोई सांसद, अति देता नहीं बैठेगा, 304 घंटा होगा सांसद जनता के बीच में बैठे। 15 मिनट का नाम लिया कि मैं आ रहे, आप बातचीत कर रहे, पापा को कहीं हो लसन है। अरे दूसरा लिपोप दे रहे, कोई को नहीं बाहर आऊ ना, गीत का बताए आऊ ना, पता चले बताए गीत बार बार बुरे लोग गीत का। आइडिया तो दे दिया, देखा बार माइक पकड़े, बिल्कुल रास्ता जो है तो दे रही भाई, जनता ने व्यक्ति थोड़ी हो जाएगा, जनता के लिए रास्ता तो मिलेगा। अब तो मारो हक अधिकार छीनो, सारे हक कोई 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 कौन छीन मारवा कौन दो हक, बिल्कुल कोने हक मारवा दे। अब रास्तों जी को बातचीत सारी होगी, फंडिंग भी होगा शुरू होगी है, कहीं दिक्कत है? कोई 5,000 दे रहे हैं, कोई 2,000 दे रहे हैं भाई। रास्तों दे वाला भी मैं यहाँ, फंडिंग करवाला भी मैं यहाँ, सारा काम करवाला मैं यहाँ। और सीकर में मोरिया बुलार और सांसद जी लाया हाथ, सांसद जी मारा क्या काम आऊंगा। ए मोरिया जगह बहुत बीच में बार बार में चर्चा चलता ही मोरिया याद आ रहा है। मोरिया का कहीं ताल्लुक है? बिल्कुल मोरिया का ताल्लुक है, मोरिया बुलाया जी। अमरा राम जी आया, अमरा राम जी की एक बात कह रही है, बोले भाई और वो कांटो तो थे काटो, और वो खटको में दबा दूंगा, तो कांटो में काट दियो। अब काम हमारा राम जी हो, खटको देखो दबा की बात करी अपन पे कहीं कहीं। आजकल वो नया नया नियम आ रहे हैं ना, यूथ जनरेशन आ रही है, वह कहीं सोच रही है कि भाई अपन 7 दिन के माए साथ जल्दी कर दियो, हाँ तो जल्दी कर दियो, साथ में बढ़ दियो। मैं तो 7 दिन की बैठक ही रहेगी, 7 दिन की, 7 दिन 4 ही दिन जी, 4 के 5 दिन मन पे बैठी 7 दिन टेंट के नीचे, 7 दिन में मामलो जी को, एक तो आने का एक जाने का शॉर्टकट रास्ता। बातचीत हो तो ठीक है, नहीं तारो अब हम टोल वालों के पास में ना बात करेंगे ना जाएंगे, अगले घुटने टेक के आएंगे। हमने नया विकल्प रास्ता निकाल दिया है, और सांसद मोदी ने हाथों हाथ ही रोड की घोषणा भी करवा दी है। पहला सांसद है जो जिसने शपथ लेने से पहले यानी कि रोड की घोषणा करी है, और एक पहला सांसद जो नागौर का है, जो उसने एमएलए बना हुआ है, 5 करोड़ का एक साथ बजट की घोषणा कर दी उसने। ऐसे सांसद और ऐसे एमएलए धरती पे के कम ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। जनता के द्वारा जनता के लिए ये सुविधा दे रहे हैं, जनता ने चुना इनको, और जनता के द्वारा सारा काम हो रहा, रास्ता है, सड़क बनेगी, पूरे मजदूरों को काम मिलेगा, राहत मिलेगी, टोल के नाम से लूट की छूट जो है ना, लूट उसको बंद कर देंगे, तो जनता बहुत बड़ी राहत है ना। 1.5-2 घंटा बातचीत चल रही है, क्या बात हुई है, क्या बात होकर बात कौन बन पाई? देखो बात यही थी कि जो पहले कंपनी की तरफ से समझौता किया गया था, और यही कंपनी तीसरी बार यहाँ टोल चलाने के लिए आई है, इसी कंपनी के साथ सबसे पहली बार समझौता हुआ था, और ये महेंद्र जी उस समय भी उस समझौते में उसके साक्षी थे। उन्हीं पॉइंटों पे हमारी बात चल रही है, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आम जन के लिए है, इस हाईवे से गुजरने वाले महिलाओं के लिए है, आम आदमी के लिए है, सफाई का मुद्दा है, लाइट का मुद्दा है, या शौचालय के व्यवस्था का मुद्दा है, पेयजल का मुद्दा है, इन सब बातों पे, और जो हमारी 21 पंचायतें 20 किलोमीटर के एरिया में आती हैं इस एरिया में, उनका मुद्दा है। तो
उस पर हमने चर्चा की है और प्रशासन और टोल कर्मियों के बीच में चर्चा चल रही है, वो क्या आकर के हमें जवाब दे रहा है। 20 किलोमीटर के चारों तरफ वो अभी आपको 10 मिनट बाद में लगेगा या नहीं लगेगा, वो फैसला हम वहाँ चौपाल पे जहाँ धरने पे बैठे हैं वहाँ पर हम सबके साथ लेने वाले हैं। हमारी सहमति अगर बनती है तो वो वहाँ से सब सहमति देंगे, अगर नहीं बनती है तो हमारे असहमति के साथ हमारा धरना जारी रहेगा, हमारे आगे की जो कार्रवाई होगी वो चलेगी। बात के लिए तो धन्यवाद। टोल लूट कंपनी आई है ठीक है, खिलाफ आप लगातार धरना कर रहे हो और आज पंचायत बुलाई है के लिए सर धन्यवाद और उपस्थिति अधिकारी भी धन्यवाद। अब आप बताओ किसान प्राण और देती है चार बारी निकले अपा थोड़ा दिन पहले कह तारीख तो आया वही नया बोले फिर साहब घर चालू हो जाए हालत तो शायद ही हो बनी वो गए बोले कत्ता साल हुआ आगे जिम्मेदारी है जनता ने जबकि प्रेस्क्राइब है सुविधा होनी चाहिए आगे तो लूट है टेकराल भी लूट लियो इन्हें भी लूट लियो इन्हें भी लूट लियो सब बड़ी लूट अपना खेतों में सड़क बनी अपना टैक्स बनी गाड़ी को टैक्स दिया और इसके बाद में भी टोल टैक्स भैया तो जनता ने टोलों ने सर महाराष्ट्र आग्रह ने जी दो दो कर देनी चाहिए थोड़ी बहुत तैयारी हुए जना हुआ इसलिए जत्ती तैयारी हुए बत्ती करनी चाहिए तो जत्ती मांग आप सबकी तरफ से और कोई नई मांग को नहीं वो ठेकेदार आप आऊ पहली चल रहे ही अभी के पेट में दर्द आ हुआ है मैं गुंडागर्दी कर ले लेकिन भाया के तो गुंडागर्दी ठीक कर वाला ही सदाई गुंडागर्दी ठीक करी है पहले अंग्रेजा की कर दी राजा की कर दी और 3-5 करी तो चुनेड़ी सरकार की भी एकड़ी ठीक कर दी पूरी कर दी गए चाहे भी दिन कटा ही लागे चाहे 13 दिन लागे चाहे 13 महीना लागे एकड़ी ठीक कर बा कोई काम करा से कबाटी तो रसी कर दो इसलिए अगुवाई करे है और जायज मांग के लिए करे कोई नाजायज को नहीं कान खोल सुन ले ये लूट किसी भी सूरत में नहीं चलेगी कान खोल के सुन ले टोल के जो भी ठेकेदार है कोई भी हो वो समझते हम गुंडागर्दी करेंगे तो किस कृपा की आवा मान इसलिए मेरा निवेदन है का लूट चलेगी को नहीं हर तरफ से लूट में सुविधा है नाजायज और आसपास के लोगों को तो वैसे ही छूट रहनी चाहिए आप बताओ कपराला उन्होंने खेत है किसान प्रणा उन्होंने जाए हर दिन में 3 बारी जाए कोई दूध सुबह ले जाए कोई शाम का ले जाए हर तरफ से जो लूट है ये निश्चित रूप से अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म और हर तरफ से लूट से मेरा तो आपसे बहुत लंबी बात नहीं कह के अपने साथी गए हैं वो क्या कहते हैं उसके बाद में आप और हम सब मिल करके आगे का निर्णय लेंगे अगर सरकार और क्योंकि सरकार भी आके सुविधा करवाना हुआ आप लूटवाए आगे मतलब पूरी फोर्स भेजती राज आला लुटेरा आगे आप तो ये अंधाता हाँ मतदाता हाँ इस सरकार ने वोटों चुनी जाए कोई 1 लाख घराला का वोटों को नहीं चुनी जाए और बस सरकार आ लुटेरा की मदद करे जनता के जगह वोट ले जाए बाकी मदद को नहीं करे असम बड़ी बात है हर जगह जटे भी आम आदमी आपके हक और अधिकार की बात उठाओ है बटे प्रशासन ने सरकार को प्रतिनिधित्व दुनिया और पुलिस वाली डांग ले रहा जाए कना ई टोपी वाली आ जाए कना बी टोपी वाली आ जाए रंग बिरंगी इसलिए आ खूब देखेड़ी है खूब देखिए लोग इसलिए कोई तरह की आ जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब अनुशासन में जो संघर्ष समिति जो आदेश देती है क्योंकि आप सब ने मिलकर के जिस संघर्ष समिति के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया है लूट के खिलाफ निश्चित रूप से उसका आदेश हमारे सब के लिए सर्वोपरि है इसलिए वो जो बात करके आते हैं अगर निपटारा हो जाए तो बढ़िया बात है ने निपटारो कर वो आवे है इसलिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत। तो तीसरा दौर की बात हुई है और के निष्कर्ष निकले है बिल्कुल कांचेरा पर नजर आ रही कोई पॉजिटिव खबर लगी बिल्कुल पॉजिटिव खबर है सहमति बनी है जो पूर्ववर्ती समझौता हो उसको उबू लागू किया जा रहा है हाँ। तो कौन सी ट्रिक काम करी रास्ता काटवारी करी हाँ। कौन सी हाँ, रास्ता काटवारी बिल्कुल और वो ये लागू होने के बाद वो रास्ता तो निकालेंगे
फिर भी बिल्कुल 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 वो की घोषणा कर दी भामा साहब जमीन भाई घोषणा कर दी तो बिके बाद में दिक्कत घटा रही है बिल्कुल रस्तों काट से कोई दिक्कत माहौल की शोक बनसी भी जा बहुत शानदार बनसी और टोल वाला प्रशासन वाला बिल्कुल जिंदगी में याद राखसी। 2017 में जो समझौता हुआ था उसको हूबहू लागू करने की बात हुई थी उन गांवों में, उसमें अपन ने लिखा था पूर्ववर्ती 2017 के अंतर्गत हुए समझौते अनुसार उक्त ग्राम पंचायतें टोल फ्री रहेंगी जिनमें शिशु रानोली बदायक डाणी पलसाना वेदगी डाणी सुजावास रायपुरा खंडेलसर लडाणा अजबपुरा अभयपुरा नांगल गोविंदपुरा मंडा मदनी पलासरा अलोदा सांगरवा सामेर श्यामपुरा डुकिया गोटी जुराटा इन तमाम जो ग्राम पंचायतें हैं इनके सभी लोकल वाहन है वो सभी फ्री रहेंगे। इसमें टैक्सी है चाहे पर्सनल है सभी फ्री है। हमेशा के लिए नहीं इनके टोल रहता है उतने दिन हमेशा के लिए तो इस तरह रास्ता निकाल रहे अपन। अब अपन वो अपन के लिए यूज है अपन कैंपर गाड़ी है वो पीली प्लेट है पर तो हम लोकल पंचायतों की है वो टोल फ्री है उसको अलग से परिभाषित क्यों कर रहे हो आप। इन ग्राम पंचायतों की गाड़ी सभी टोल फ्री रहेंगी इसमें चाहे पिकअप है चाहे छोटी है बड़ी है दोनों जगह चल रहे हो अभी को पर विराम जगह लागू है। 17 मजे साबरी गांव की गाड़ियां छोटा ग्राम पंचायत गाड़ियां जाया करती बगैर टोल दिए तो भी बात को पर सहमति बनी है।